मान केंद्र सेंटर ऑफ मास, ठीक ना, इंपॉर्टेंट रखता है। घूर्णन गति में ही हम क्या करते हैं, सेंटर ऑफ मास को भी पढ़ते हैं। रेखीय गति में हमें सेंटर ऑफ मास पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि रेखीय गति में अगर बात करेंगे तो रेखीय गति में सभी पार्टिकल एक रेखा में गति करते हैं, उसके सेंटर ऑफ मास की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन घूर्णन गति में सेंटर ऑफ मास की जरूरत पड़ती है। कब जरूरत पड़ती है, जब जैसे कोई भी चीज़ है अगर वो घूर्णन गति भी करे और साथ ही साथ रेखीय गति भी करे, जैसे मैं अगर इसको फेंक के मारूंगा यहाँ पे, यहाँ से ना, तो ये अपने एक्सिस पे है नहीं, वो तो है, मैं यहाँ पे एक वर्किंग एग्जांपल दे रहा हूँ तुम्हें। जैसे मैं इसको अगर फेंक के मारूंगा तो ये क्या करेगा, अपने एक्सिस पे घूमेगा भी और वो आगे की तरफ भी जाएगा, मतलब अपने एक्सिस पे घूमते हुए आगे की तरफ बढ़ेगा। तो इसका मतलब क्या है कि उसमें घूर्णन गति भी है और रेखीय गति भी है। तो जब घूर्णन गति और रेखीय गति दोनों आता है तो वहाँ पे इम्पोर्टेंस आती है द्रव्यमान केंद्र की, क्यों, क्योंकि उस कंडीशन में जैसे मान लो ये हमारा रॉड है, इसको मैं क्या करता हूँ, घुमा के आगे की तरफ फेंकता हूँ, तो ये आगे की तरफ जाएगा तो कुछ इस लोकेशन में जाएगा, फिर आगे की तरफ बढ़ेगा तो स्ट्रेट हो जाएगा, ये बात नहीं देख। तो होगा क्या, जैसे मान लो यहाँ पे ये स्थिर था, इसको ओमेगा वेग से हमने फेंका और आगे ये रेखीय वेग वी से बढ़ रहा है, तो ये अपने एक्सिस पे क्या करेगा, घूमेगा भी और आगे की तरफ भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे अगर मैं तुमसे पूछू कि इस पार्टिकल का पोजिशन क्या है, ये जो पार्टिकल ये अभी इस पोजिशन पर है, तो टी समय बाद इसका पोजिशन क्या होगा, क्योंकि अब टी समय बाद ये, अब ये जो पार्टिकल है ये घूम भी रहे हैं और आगे की तरफ भी बढ़ रहे हैं। अगर देखो यहाँ पे, अब ये पार्टिकल यहाँ पे पहुंच गया, यहाँ पे था, यहाँ पे आ गया और यहाँ पे इस पॉइंट पर आ गया, क्योंकि ये घूर्णन गति भी कर रहे हैं, तो घूर्णन गति करने से ये पार्टिकल का जो पोजिशन होगा वो क्या होगा, चेंज होगा। तो इसके पोजिशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है द्रव्यमान केंद्र की, क्योंकि द्रव्यमान केंद्र के रिस्पेक्ट में इसका लोकेशन चेंज नहीं, मतलब इसकी जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होता है। तो जब भी हम क्या पढ़ते हैं, घूर्णन गति प्लस रेखीय गति, तो वहां पे हमें द्रव्यमान केंद्र की जरूरत पड़ती है। द्रव्यमान केंद्र होता क्या है उस पर डिस्कस करते हैं। जैसे देखो, द्रव्यमान केंद्र किसी भी दृढ़ पिंड का द्रव्यमान केंद्र का मतलब है कि उस वस्तु का कोई एक ऐसा बिंदु होता है जहां पे उसका संपूर्ण द्रव्यमान निहित होता है, ठीक है ना, संपूर्ण, हाँ, द्रव्यमान स्थित होता है, ठीक ना, हाँ, मतलब द्रव्यमान केंद्र का मतलब है किसी भी वस्तु का वह बिंदु जिस पे हम ये मान सकते हैं कि उस पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान निहित हो। या जैसे हम मान लो किसी वस्तु को स्थिर रखना है, जैसे मान लो ये वस्तु है, इसमें मैं स्थिर रखने के लिए मैंने इसमें कितने फोर्स लगाए, 5 उंगलियों के द्वारा हमने 5 फोर्स लगाए, तब जाके ये रेस्ट पे रुका हुआ है। लेकिन इन 5 फोर्स को अगर एक पॉइंट पे लगाए और एक पॉइंट पे लगाने से ये वस्तु कहाँ हो, स्थिर रहे, तो जिस बिंदु पर हम इस फोर्स को क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब कि ये जो बिंदु है ये हमारा क्या होगा, द्रव्यमान केंद्र। मतलब किसी वस्तु पे अगर हम अलग अलग फोर्स लगाते हैं और उतना ही फोर्स अगर हम क्या करते हैं उसके द्रव्यमान केंद्र पे लगाते हैं, तो वस्तु हमारा सेम बिहेव करता है। अरे बस समझे, ठीक है ना। तो किसी वस्तु का द्रव्यमान केंद्र का मतलब है कि वह बिंदु, वस्तु का वह बिंदु या दृढ़ पिंड का वह बिंदु जिसमें पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान नहीं तो, या जिस वस्तु पर मतलब नेट फोर्स लगाने पर वस्तु सेम तरीके का क्या करे, बिहेव करे। तो लिखो इसका डेफिनेशन, लो किसी पिंड तथा द्रव्यमान, किसी पिंड अथवा द्रव्यमान, अरे बात है, किसी पिंड अथवा कणों के निकाय का, काट दे, कणों के निकाय का वह बिंदु, किसी पिंड अथवा कणों के निकाय का वह बिंदु जिस पर संपूर्ण पिंड का द्रव्यमान केंद्रित हो,
संपूर्ण पिंड का द्रव्यमान केंद्रित हो, केंद्रित हो, पिंड का द्रव्यमान केंद्र कहलाता है, पिंड का द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। पिंड का द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। ठीक ना, अथवा करके नेक्स्ट हैंड डाल देना, नेक्स्ट मतलब डेफिनेशन लिख लेना इसका। देखो, जब निकाय किसी बाह्य बल के अंतर्गत, अथवा करके दूसरा डेफिनेशन लिखो, जब निकाय किसी बाह्य बल के अंतर्गत गति करता है, गति करता है, तब तब यह बिंदु है, जब निकाय किसी बाह्य बल के अंतर्गत गति करता है, तब वह बिंदु इस प्रकार गति करता है, इस प्रकार गति करता है, इस प्रकार गति करता है कि मानो निकाय पर संपूर्ण बल, कि निकाय निकाय पर संपूर्ण बल इसी बिंदु पर, इसी बिंदु पर आरोपित हुआ हो, इसी बिंदु पर आरोपित हुआ हो। इसी बिंदु पर आरोपित हुआ हो। अब देखो, जो द्रव्यमान केंद्र है, द्रव्यमान केंद्र जो है, अरे बात नहीं, देख इधर क्या बात कर रहे हैं। देखो, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है द्रव्यमान केंद्र के। ठीक ना, द्रव्यमान केंद्र जो है, ऐसा जरूरी नहीं है कि द्रव्यमान केंद्र जो हमारा पिंड है उस पिंड के अंदर ही उपस्थित हो। जैसे मान लो एक हमारे पास क्या है, कोई एक वर्गाकार चकती है या वर्गाकार कोई एक प्लेट है, मान लो वर्गाकार कोई एक प्लेट हो, अगर बात करेंगे तो इसके द्रव्यमान केंद्र की अकॉर्डिंग टू सिमेट्री इसका जहां गुरुत्वीय केंद्र होगा वही इसका क्या होगा, मतलब इसका जो मिडिल पॉइंट होगा एकदम, इसी मिडिल पॉइंट पर इसका क्या होगा, द्रव्यमान केंद्र। मतलब यहीं पे अगर फोर्स लगाओगे तो वस्तु क्या करेगा, सीधी मूव करेगा, या हम ऐसे मान सकते हैं कि इनका संपूर्ण द्रव्यमान इसी केंद्र पर केंद्रित है, या जैसे मान लो एक सर्कल है या कोई एक डिस्क है, डिस्क है, सॉलिड है, ठीक है ना, तो इस सॉलिड का द्रव्यमान केंद्र कहाँ होगा, अकॉर्डिंग टू सिमेट्री इसके सेंटर में होगा। अगर हम बात करते किसी एक स्क्वायर की, सॉरी त्रिभुज की, तो इस त्रिभुज का जो केंद्र होगा, इस त्रिभुज का जो केंद्र होगा इसके सेंटर पे क्या होगा, इसका सेंटर जो है वो द्रव्यमान केंद्र होगा। तो इन सारी चीजों में, इन सारे सिमेट्री में जो द्रव्यमान केंद्र है वो वस्तु के अंदर निहित है, ठीक ना। लेकिन अगर हम बात करते किसी एक रिंग की, ये हमारे क्या है, रिंग है, ठीक ना, तो इस रिंग का जो द्रव्यमान केंद्र होगा वो भी कहां पे होगा, इसके सेंटर पे। और अगर इसके सेंटर की बात करेंगे तो इसका सेंटर क्या है, ब्लैंक है, यहां पे कुछ भी चीज उपस्थित नहीं है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो द्रव्यमान केंद्र है वो हमेशा वस्तु के द्रव्यमान के अंदर ही निहित होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, वो वस्तु के बाहर भी हो सकता है। सारा द्रव्यमान कहाँ है, इस रिम पर तो होगा, जैसे कि रिंग है, ठीक ना, ये इसका द्रव्यमान पूरा इसके बाहर स्थित है, लेकिन इसका द्रव्यमान का केंद्र कहाँ होगा, इसके सेंटर पे, ठीक ना। तो ऐसा जरूरी नहीं है, तो यहाँ पे लिखना द्रव्यमान केंद्र की विशेषता है, द्रव्यमान केंद्र की विशेषता है, लिखो, लिखो द्रव्यमान केंद्र, हाँ फर्स्ट पॉइंट लिखना, द्रव्यमान केंद्र, द्रव्यमान केंद्र
पर भौतिक रूप से द्रव्यमान उपस्थित हो, द्रव्यमान केंद्र पर भौतिक रूप से द्रव्यमान स्थित हो, ऐसा आवश्यक देखो संभव है। इसमें द्रव्यमान केंद्र की क्या क्या विशेषता है वो समझ लो एक बार में, ठीक ना। पहला तो है कि द्रव्यमान केंद्र ऐसा जरूरी नहीं है कि जहां पे द्रव्यमान केंद्र होगा वहां पे द्रव्यमान हो, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे एक डिस्क की और एक चकती का अगर एग्जांपल लेते हैं, ये हमारा डिस्क है, ये हमारा रिंग है, रिंग का द्रव्यमान केंद्र और चकती का द्रव्यमान केंद्र क्या होता है, इसका सेंटर पे होता है, लेकिन इसके सेंटर पे द्रव्यमान होता है और इसके सेंटर पे द्रव्यमान नहीं होता है। ठीक ना, फर्स्ट पॉइंट है कि द्रव्यमान केंद्र जहाँ पे भी होगा वहाँ पे द्रव्यमान हो ऐसा जरूरी नहीं है, वहाँ पे द्रव्यमान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। दूसरा पॉइंट, द्रव्यमान केंद्र वस्तु के अंदर भी हो सकता है और उसके बाहर भी हो सकता है। जैसे अगर बात करेंगे यहाँ पे इन दोनों कंडीशन में, तो इन दोनों कंडीशन में द्रव्यमान केंद्र वस्तु के अंदर, यहाँ पे भी वस्तु के अंदर है, यहाँ पे भी वस्तु के अंदर है, लेकिन कभी कभी द्रव्यमान केंद्र वस्तु के बाहर भी होता है। कहाँ पे, जैसे मान लो अगर एल शेप में कोई रिंग है या कोई भी वस्तु है या कोई भी छड़ है, तो इसका द्रव्यमान केंद्र हमेशा इसकी सिमेट्री में यहाँ होगा, ठीक है ना, लेकिन वस्तु के अंदर ही तो है ना वो, है कि नहीं है। लेकिन यहाँ पे द्रव्यमान केंद्र कहाँ होगा, इसके बाहर होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे बाहर है, इसके वस्तु के अंदर नहीं, नहीं यहाँ पे कोई द्रव्यमान है। तो पहला पॉइंट है द्रव्यमान केंद्र की विशेषता ये है कि द्रव्यमान केंद्र जहाँ पे होगा वहाँ पे द्रव्यमान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, द्रव्यमान केंद्र वस्तु के अंदर भी हो सकता है और उसके बाहर, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा वो द्रव्यमान केंद्र वस्तु के अंदर ही होगा। हाँ बता, इसको यहाँ पे पढ़ के बैलेंस कैसे रखेंगे, हैं वो इमेजिनेशन होगा, बैलेंस क्या होगा, ठीक है। आज जादू कर रहे थे ऐसे करके, ऐसे करके, वो तो दिखा रहा था, वो तो दिखा रहा था बस, ठीक है। देखो नेक्स्ट है, द्रव्यमान केंद्र की जो गति होती है वो कैसी गति होती है, सरल रेखीय गति होती है, वो घूर्णन गति उसमें नहीं होती। अगर कोई वस्तु घूर्णन गति भी कर रहा होता है या घूर्णन और रेखीय दोनों होगा, तो उस कंडीशन में भी जो हमारा द्रव्यमान केंद्र होगा वो कैसा गति करेगा, सरल रेखीय गति करेगा, जिसको हम ट्रांसलेटरी मोशन भी कहते हैं। फोर्थ पॉइंट बाद में, फोर्थ पॉइंट, द्रव्यमान केंद्र की जो स्थिति है वो कभी भी निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता, मतलब कोई भी निर्देश तंत्र हो, कैसा भी निर्देश तंत्र हो, द्रव्यमान केंद्र में से क्या होगा, फिक्स्ड होगा, वो चेंज नहीं होगा। फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, द्रव्यमान केंद्र जो है अगर क्या है, द्रव्यमान समान है या द्रव्यमान का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो समान है, तो द्रव्यमान केंद्र और ज्यामितीय केंद्र क्या होगा आपस में, द्रव्यमान केंद्र किसके बराबर होगा, ज्यामितीय केंद्र के बराबर, जो उसका ज्यामितीय केंद्र हो। जैसे मान लो यहाँ पे ये डिस्क है, डिस्क का ज्यामितीय केंद्र इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, तो इसका द्रव्यमान केंद्र क्या होगा, इसके सेंटर पे होगा, इसी को हम इसका ज्यामितीय केंद्र भी कहते हैं। जैसे रिंग है, रिंग का सेंटर है, जैसे हमारा स्क्वायर है, स्क्वायर का जो ज्यामितीय केंद्र होगा कहाँ होगा, इसके सेंटर पे होगा, तो इसका सेंटर ही इसका क्या होगा, द्रव्यमान केंद्र, क्योंकि इन सब में जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या होता है, सेम होता है, वो चेंज नहीं होता है। लेकिन अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो, चेंजेबल हो, जैसे मान लो एक रॉड है, एक पतला सा रॉड है, मतलब एक मतलब समान आकार का है, जिसके मतलब जिसका मोटाई जो है वो हर बिंदु पे क्या है, समान है, तो इस कंडीशन में इसके सिमेट्री इसके सेंटर पे होगा द्रव्यमान केंद्र। लेकिन एक ऐसा रॉड ले लेते हैं जो क्या हो, एक साइड से पतला और एक साइड से क्या होगा, मोटा, तो इसका जो द्रव्यमान केंद्र होगा वो हमेशा कहाँ जाएगा, जहाँ पे द्रव्यमान ज्यादा है। अब यहाँ पे इसके सेंटर पे ना होगे कहाँ डिस्प्लेस होगा, ये इस साइड डिस्प्लेस होगा, कहीं जिस साइड द्रव्यमान ज्यादा होगा उसी साइड हमारा क्या होगा, द्रव्यमान केंद्र विस्थापित हो जाएगा। क्लियर है, तो हमेशा द्रव्यमान केंद्र डिपेंड करता है द्रव्यमान डिस्ट्रीब्यूशन पे, जहाँ पे द्रव्यमान ज्यादा होगा उस साइड हमारा द्रव्यमान केंद्र क्या जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा, जिस साइड द्रव्यमान कम होगा उससे दूर चला जाएगा वो, ठीक है। ये है हमारे द्रव्यमान केंद्र की विशेषता है। अच्छा सुन ले, इधर कल 9 बजे आएगा।